नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2019 का जो रिटेन टेस्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है और जो टाइपिंग होने वाली है उसके लिए कितने नंबर से कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बात करेंगे वो केवल हेड कांस्टेबल मेल के लिए है। इसके अलावा जो हेड कांस्टेबल फीमेल है या LDC की भर्ती है, उनकी पोस्ट है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं वो केवल हेड कांस्टेबल मेल के लिए कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट थी अलग अलग कैटेगरी में हेड कांस्टेबल मेल की। तो जनरल की जो पोस्ट हैं 167 हैं, इसके अलावा OBC की 88 हैं, SC की 149, ST की जो पोस्ट हैं वो 24 हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 328 हैं टोटल पोस्ट, टोटल जो हैं 328 पोस्ट हैं। और जो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट वो कम से कम 10 गुना कैंडिडेट। कम से कम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, पिछली बार जब आई थी 2015 में, तो 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो फिर भी हम कम से कम 10 गुना, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो हम 10 गुना लेके चलते हैं। तो 328 का जो 10 गुना होगा वो होगा 3280, 3280 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए एज अ नोटिफिकेशन। ठीक, एज पर नोटिफिकेशन 3280 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कम से कम 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक, तो अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल के 167 पोस्ट हैं, तो इनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहेगा 74 से 79 के बीच, और प्लस माइनस वन हो सकता है। जनरल का कट ऑफ हमेशा अदर कैटेगरीज से ज़्यादा ही होता है। और दूसरी बात क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं उनका अगर कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट अगर वो जनरल कैंडिडेट के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर पाता है, तो चूंकि जनरल एक ओपन कैटेगरी होती है, तो वो अपनी कैटेगरी की पोस्ट छोड़ के जनरल कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए जनरल कट ऑफ बढ़ जाता है। और दूसरी बात क्या है, अभी ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है कट ऑफ, फाइनल मेरिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जनरल का कट ऑफ होगा कम से कम 74 से 79 के बीच रहने वाला है। दूसरा है OBC, टोटल 88 पोस्ट हैं इसके लिए, तो इसका जो कम से कम कट ऑफ होगा वो रहेगा 72 से 76 के बीच, प्लस माइनस वन, मतलब 71 से 75 तक भी हो सकता है, बट कम से कम जो रहेगा इसका 72 से 76 नंबर के बीच रहेगा इसका कट ऑफ। इसके अलावा अगर SC की बात करें, 49 पोस्ट हैं टोटल, और इनका जो कट ऑफ रहने वाला है, हो सकता है कट ऑफ जो इनका वो रहेगा 70 से 74 के बीच में, प्लस माइनस वन के साथ। ठीक, और इसके अलावा जो ST की पोस्ट हैं वो 24 पोस्ट हैं, इनका जो कट ऑफ होगा 68 से 72 के बीच में होगा, और प्लस माइनस वन के साथ। तो गाइज़, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना कट ऑफ हो सकता है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो कट ऑफ मैंने यहाँ बताया हुआ है, जो भी हमने यहाँ देखा कितना कट ऑफ हो सकता है, नहीं हो सकता है इतना, तो जिन भी कैंडिडेट्स के नंबर इनके बीच में आ रहे हैं, कम और ज़्यादा दोनों में, वो अभी भी टाइपिंग की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि उनका श्योरली सिलेक्शन होने वाला है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो गाइज़, देर ना करें, आप टाइपिंग टेस्ट चालू कर दें। पता चला आपने चालू किया नहीं टाइपिंग टेस्ट के लिए और आपका सिलेक्शन हो गया टाइपिंग के लिए, फिर आपने बाद में बोलना है कि यार टाइम नहीं मिला हमको। तो गाइस, जिनका भी नंबर कैटेगरी वाइज जो मैंने कट ऑफ बताया है उसके बीच में है, तो वो अपनी तैयारी चालू कर दें। और इसके अलावा मैंने टाइपिंग के लिए जितने भी डाउट हैं टाइपिंग के, वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, और उससे आपके टाइपिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन से सॉफ्टवेयर में करना है, कैसे करना है, कितनी ईरर रखनी है, कितनी एक्यूरेसी रखनी है, सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं।
तो गाइज़ वो वीडियो आप देखें और अपनी टाइपिंग टेस्ट चालू कर दें, टाइपिंग का प्रैक्टिस करना चालू कर दें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।